करते हैं। लेट्स गो। हैप्पी मदर्स डे। मैं पापा में जा रही हूँ। थैंक यू दीदी। सो डैम आई जस्ट थैंक गॉड। सो माई प्रेडिक्शन वॉज वेरी रॉन्ग। हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस इज डीवा और आज है 8th of May जो कि है मदर्स डे। तो हैप्पी मदर्स डे ऑल ऑफ यू गाइस। तो जिसने अपनी अपनी मम्मी को अभी तक विश नहीं किया है ना, जाओ विश कर दो। एक्चुअली मैंने ना सुबह से ऐसा एक्ट किया है कि मुझे पता नहीं है आज मदर्स डे। एक्चुअली मुझे सच में नहीं पता था कि आज मदर्स डे है। मैंने सुबह सुबह इंस्टाग्राम खोला, मैंने ना किसी की स्टोरी देख ली, तो स्टोरी देखने के बाद मुझे पता चला कि आज है मदर्स डे। तो I planned something for my mamma. अभी ना 12 बज चुके हैं, तो सुबह से मैं पढ़ाई कर रही थी। ये देखो क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं क्या चल रहे हैं एग्ज़ाम्स, रुको दिखाती हूँ। ये देखो 8th of May है, आज है 8th of May और 13th को एग्ज़ाम है एक, और 2nd को एक ऑलरेडी हो चुका। तो हम आज मम्मा को देने वाले एक सरप्राइज़। एक्चुअली ना गलती से ना मेरे मुंह से निकल गया था कि आज मदर्स डे। मैंने सुबह सुबह इंस्टा पे स्टोरी भी डाल दी है मदर्स डे की, लेकिन अभी तक वो ना प्रोसेस चल रहा था मेरा कि क्या करूँ। तो अभी जाके मुझे समझ आया कि करना क्या है। तो मैंने पापा को बता दिया है कि हाँ ऐसे आई एम गोना गिव अ सरप्राइज़ मम्मी को। हाँ जी ठीक। यार इसने सुन तो नहीं लिया, मम्मी आई थी। तो अभी आई एम ऑल रेडी जाने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं मम्मा के लिए शॉपिंग, देखते हैं क्या होता है। और बाहर एक्चुअली मौसम काफ़ी ख़राब हो रखा है। यहाँ पे साइक्लोन अलर्ट है और आज संडे भी है, तो देखना पड़ेगा कि कौन सा शॉप खुला है। एक्चुअली मैंने पता किया कि जहाँ से मैं शॉप करती हूँ हमेशा, मैंने पता किया कि वो अभी खुला है या नहीं। तो मुझे पता चला कि हाँ वो खुला है, तो अब मैं वहाँ जा रही हूँ, वहाँ से शॉप करके फिर कुछ कुछ लेके फिर हम मम्मा को सरप्राइज़ देंगे। और मम्मा को इसके बारे में कुछ नहीं पता, पापा को पता है। मैं अब दोनों मम्मा पापा दोनों सो रहे हैं और लंच के बाद थोड़ा आराम कर रहे हैं। तो मैंने पापा के पास जाके धीरे से पापा को कान में बोला कि पापा मैं जा रही हूँ। तो बस ठीक है जल्दी आ जाना, तो क्योंकि मम्मा को पता ना चले इसीलिए से धीरे धीरे बात करना पड़ रहा है। तो ओके पापा, हाँ तो ओके चलो चलते हैं शॉप जहाँ से मैं हमेशा शॉप करती हूँ। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मौसम कितना ख़राब हो रखा है, बाहर काफ़ी ख़राब है मौसम। चलो चलते हैं। आई एम गोइंग फॉर दिस प्लेन वाला कुर्ती बिकॉज आई लाइक इट। इतने सारे निकलवाने के बाद ये नहीं है मैंने कितना है, तो अभी बिलिंग कराएंगे। बिलिंग करा के इसको एक्चुअली शायद गिफ्ट रैप करा के लेके जाऊँ मैं। चलो गिफ्ट रैप करो। यार सारे के सारे बच्चे आके अपने मम्मी के लिए कुछ ना कुछ ले रहे हैं एंड सब सारे गिफ्ट रैप करा रहे हैं। सो इट्स फील्स सो स्पेशल एंड क्यूट, लाइक कि हाँ लोग अपने मम्मा के लिए बहुत कुछ करते हैं। सो इट्स कूल। दीदी इसको भी गिफ्ट रैप करा दीजिए। थैंक यू दीदी। यार अब तो काफ़ी टाइम हो गया। मैं एक्चुअली निकली थी 3:45 को घर से निकली थी, यहाँ पहुँचते शायद मुझे 4:15 हो गया होगा। फिर अब ये गिफ्ट लेने में ही काफ़ी टाइम लग गया एंड शाम होने लग गई है, और अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें लेनी बाकी है जो मम्मा को पसंद है। तो फर्स्ट टाइम ऐसे ना मैं अकेले मम्मा के लिए शॉप करने आई हूँ, क्योंकि मैं खुद के लिए भी शॉपिंग करने आती हूँ तो मैं कभी अकेले नहीं आती, मैं मम्मा के साथ ही आया करती हूँ। तो मम्मा का सरप्राइज़ है तो मम्मा को तो साथ लेके आ नहीं सकते। लेट्स गो। तो जिस कैफ़े से मैंने सोचा था कि मैं पिज़्ज़ा ले कर जाऊँगी, मैं वहाँ गई तो वो कैफ़े ही आज बंद था। तो अभी मैं दूसरे जगह पर आई हूँ बेक पे, तो देखते हैं वहाँ मुझे क्या मिलता है एक्चुअली। और जहाँ अभी जा रही हूँ ना वहाँ वेज ही मिलता है, बस नॉन वेज अभी तक उन्होंने स्टार्ट नहीं किया। सो आई डोंट नो, जाके पूछना पड़ेगा। और अब पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये वाला भी खुला है या ये भी बंद होगा।
सो डैम आई जस्ट थैंक गॉड बिकॉज ये खुला है और या खुला है ये. चलो चलते हैं. सो माई प्रडिक्शन वॉज वेरी रॉन्ग. आई थॉट यार नॉन वेज पिज्ज़ा वगैरह नहीं मिलता होगा बट या इट हैज़. सो आई टुक वन और बाकी तो समझ नहीं आ रहा पेस्ट्रीज में मैं क्या लेके जाऊँ बिकॉज मम्मा लाइक्स एवरी थिंग इन स्वीट. अब उनको इसमें से कौन सा सबसे बेस्ट लगेगा वो आर डोंट नो. एक्चुअली आई प्लान्ड अ वे बेटर देन दिस बिकॉज मैं कुछ कुछ ऐसी चीज़ें लेके आने वाली थी जो मम्मा के मतलब काफ़ी स्वीट मेमोरीज है मम्मा के उनके साथ बट मौसम इतना ख़राब है कि कुछ नहीं हो पाया. अब जो है उसमें काम चलाना पड़ेगा बट मम्मा को अभी तक नहीं पता है कि आई हैव प्लान्ड समथिंग. सो लेट्स सी हर रिएक्शन. और पता नहीं मैंने जो उनके लिए गिफ्ट लिया है वो भी उनको पसंद आएगा नहीं आएगा. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. Actually, I have a very good service and a very cute package. So I just loved their package and all. So I'll keep coming here for this beauty. And it's a kind of good place only. So yeah, I loved it. चलो मम्मा को पूछ रहा. अब रिस्क यही है कि मम्मा को मेरा लिया हुआ कुछ भी पसंद आएगा या नहीं आएगा बिकॉज इट्स ऑल फॉर हर. और अगर उन्हीं को पसंद नहीं आया तो That would be a shame for me. जैसे मैं बाहर आई घर आई वैसे यहाँ तेज़ बारिश और हवाएं चल मैंने शुरू हो गई. अच्छे टाइम पे लाइक मैं पहुँची सब कुछ हुआ एंड उसके बाद ही बारिश होने लग गई. तो आई एम वेरी ऐसे लकी सा. आज मदर्स डे. मेरे को सुबह बोली थी तुम्हारे अब ना गलती से तो मेरा मुंह से फिसल गया था एक बार बस एक ही बार बोली थी क्या. हम से तुमको मम्मी मम्मी बोले जाता तुमको फिर भी नहीं जमता मम्मी. सर अच्छे से वीडियो बना हम तो कम से कम बोला था अच्छे से सच सच की बैठ ठीक है ना. अपना गिफ्ट तो खोलो फिर सजना था ना. कैसा लगा अभी बोलो मेरे को. खाली कुर्ती दी इसका विचित्र क्या था. कैसा लगा. बढ़िया है अच्छा है लेकिन मुझे फिटिंग कराना पड़ेगा यहाँ. हाँ यहाँ से थोड़ा लूज है मम्मा को हर जगह से ही थोड़ा थोड़ा. कुछ अच्छा तो बोलो. मैं तुमको तुम्हारे लिए इतना सुंदर कुर्ती लेके आई और यार मेरे को कंजूस बोल रही थी. जैसे मैं घर आई ना मेरे से पूछ रही थी कहाँ गई थी. मैंने बोला ऐसे घूमने गई थी मम्मा को तो बताया नहीं था. तो फिर बोलती है क्या लेके आई खाने के लिए. मैंने बोला कुछ नहीं लाई. सीधा मेरे को कहती कितनी कंजूस है इतने पैसे हैं तुम्हारे पास. जबकि है नहीं मेरे पास पैसे बस 10,000 रुपये थे उसमें से भी ठीक है जो भी हो तो वही उतना ही था. उसमें मेरे को कह रही कितनी कंजूस है तो कुछ नहीं लाती कभी खाने के लिए भी कुछ नहीं लेके आए कम से कम एक आइसक्रीम लेके आ जाती. चलो चलो और बोलना मेरे को कंजूस. चलो पहले खा लेते हैं. हैप्पी मदर्स डे. थैंक यू. पसीना जहर हट उठ. किधर लिखा है पिज्जा खाली पिज्जा लिखा है. Hot and delicious. पिज्जा हट का हम लोग खाए. चीज तो उतना नहीं है. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day.